पोल आ चुके हैं कांग्रेस के फेवर में हैं, क्या कहेंगे सर? एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेसी सरकार। सर आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें? नहीं, सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बन जा रही है, 60 से भी ऊपर हो सकती है, और जितनी भी हो सकती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बन जा रही है। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे क्योंकि सब में 50-55 इस तरह की सीटें। एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ। अच्छा, आपके मुताबिक क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे कि बिल्कुल ही हरियाणा की जनता ने एग्जिट पोल में इस तरह से कांग्रेस को बढ़ा? ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा, 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस, हर उसपे इसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर काम करना चाहेंगे? बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है। सर एक सवाल यह है कि सीएम पद को लेकर भी सवाल है, अब तो एग्जिट पोल में लगभग सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको लगता है सीएम ये तो आप लोगों का सवाल है, मैं तो कई दफा कह चुका है, एक सवाल का बार बार आप लोगों का काम ही है। सवाल ये है, कांग्रेस की पद्धति है, एमएलए बनेंगे, उनसे उनकी राय जानी जाएगी, हाईकमांड फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा। शैलजा जी भी अलग, सबका अधिकार है, आप भी उम्मीदवार हो सकते, कोई ये थोड़ा है, आप भी अपना पुट योर हैट, हु से नो, दिस इज डेमोक्रेसी, एवरीबॉडी शुड एस्पायर, और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे इसका मतलब उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता है शैलजा जी का भी अधिकार है? क्यों नहीं है, हमारी सीनियर लीडर है वो, क्यों नहीं है? एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिखती है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मत का इस्तेमाल किया, जैसे लोकसभा के चुनाव में 47.6% वोट डालकर हाईएस्ट कांग्रेस पार्टी को वोट हरियाणा का पूरे देश भर में मिला था। इस बार लोगों ने मन बना लिया था, बहुत दुखी थे बीजेपी से, और जो एग्जिट पोल क्या जनता ने पहले ही, क्योंकि पिछली बार मीडिया ने बहुत, अगर मीडिया नहीं दिखाता बीजेपी का 400 पार, तो मैं समझती हूँ तब भी इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनती, और इस बार जो हालात और जो एग्जिट पोल या जो नतीजे आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, जनता ने बहुत रुझान कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया, हम दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी, बहुत बड़ा एक मुद्दा था, क्राइम बहुत बड़ा मुद्दा था, अनसेफ हरियाणा एक मुद्दा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो है यहाँ से पलायन कर गई। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है बेरोजगारी ड्रग्स मुद्दा रहा, हमारे किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो जय जवान जय किसान जय पहलवान और जय संविधान पूरी तरह से ये मुद्दा हमारा रहा, जिसको लेकर लोगों ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया। लोगों ने बार बार बीजेपी कोई ना कोई जाति का कार्ड, कभी दलित कार्ड खेल रही है, कभी कुछ है, वो दलित के जितने ट्रंप ले रही थी सारे के सारे कांग्रेस में आ गए, तो मैं समझती हूँ लोगों को समझ में आ गया जाति पाति की कोई राजनीति नहीं, केवल विकास हमारा एजेंडा रहेगा, उसी के अनुरूप लोगों ने, और हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सभी लोगों ने मुद्दों की राजनीति पर, विकास के नाम पर वोट मांगने का काम किया, और मैं समझती हूँ सभी हमारी हरियाणा की महान जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद देने का काम किया। मैं एग्जिट पोल पे बहुत यकीन नहीं करता, लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तूफान था, एक आंधी थी, वहाँ पे निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी 60-65-70 कितनी ही सीटें जीत सकती है, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं। जो उनका एग्जिट पोल है वो उनकी मेहनत है, वो ठीक है, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई विकास किया है, समाज को तोड़ने का काम किया है, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, और कोई भी ऐसी लीडरशिप नहीं थी हरियाणा के अंदर जो लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकती थी। जो पुराने मुख्यमंत्री थे उन्हें एलिवेट करके आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, उन्होंने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, दूसरे मुख्यमंत्री बनाए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है,
और कांग्रेस पार्टी के साथ लोग खड़े हैं और सब बिरादरी के लोग हैं, हिंदू मुसलमान हैं, इसलिए वहाँ पे किसी भी हिंसे को, किसी भी ऊंचाई को कांग्रेस पार्टी छू सकती है। सर, एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी होता है, हमने देखा पिछले चुनाव में हुआ, मध्य प्रदेश और कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के भी चुनाव में हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो सभी एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे थे कि कांग्रेस आगे है, कांग्रेस वहाँ पे सरकार बना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मेरा पहला जुमला था कि मैं एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करता, और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ मुझे ईवीएम की मशीनों पर भी भरोसा नहीं है। अगर लबनान के अंदर पेजर के जरिए लोगों को मारा जा सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है, मुझे ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन हरियाणा में जो आंधी आई हुई है, कांग्रेस का जो तूफान है, उसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती। देखिए, जो एग्जिट पोल आज अभी आया है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा जो है वो जा रही है और कांग्रेस आ रही है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल दिख रहे हैं मुझे उसमें भी लग रहा है, और हरियाणा की जनता भी मन बना चुकी थी कि भाजपा को इस समय चलता करना है, इसीलिए भाजपा को जाना तय हो गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार का बनना तय हो गया। जहां तक डाटाज की बात है, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो अभी जो डाटा है इसमें अभी कुछ करेक्शन आने की भी बाकी है। जहां तक इसमें कुछ डाटा दिखा रहे हैं कि जेजेपी को सीट आ रही है, मुझे नहीं लगता जेजेपी की कोई सीट आएगी, जेजेपी निल पे रहनी चाहिए। और जहां तक सीटों की बात है वहां तक इंडिपेंडेंट कुछ हो सकता है जिनको मिल जाए, और भाजपा जो है वो मुझे लगता है 10 से आसपास कहीं रहेगी या दहाई का आंकड़ा हो सकता है भी उसके नीचे रह जाए, और इससे ज्यादा आप भाजपा नहीं ले पाएगी, और 15 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा पाएगी, ये भी मेरा आकलन है। और दूसरी बात ये भी है, इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो कुछ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को टिकट वितरण में या कुछ लोगों की चाह में या कुछ हमारी जब टिकट वितरण होता है तो कुछ इस तरह से हो जाता है कि कोई कैंडिडेट अच्छा होता है लेकिन उसको टिकट नहीं मिल पाती, हो सकता है मुझे इंडिपेंडेंट जो है वो कुछ हो सके। बट हमारा जो नंबर मतलब जो हमें समझ में आ रहा है कि वो करीबन 60+ होगा और आगे बढ़ता हुआ करीबन काफी दूर तक जाएगा, तो मिनिमम 60 होना चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम जो है वो कितना भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा जो टोटल आकलन है उसमें ये है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए, हम तो लगातार इस बात को बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और जो बातें हमने कही थी और एग्जिट पोल जो निकल के आ रहे हैं उसी बात को साबित कर रहे हैं। मैं देख रहा था विभिन्न एग्जिट पोलों के अंदर कहीं कांग्रेस को 55 से 62 सीटें दिखा रहे हैं, कहीं 60 सीट दिखा रहे हैं, और हमारा आकलन तो इससे कहीं ज्यादा है। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी 70 से ज्यादा सीटें जीतकर अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी।